नमस्कार। इस वक्त की बोर्ड एग्जाम 2021 से संबंधित एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी और अपडेट निकल के सामने। बोर्ड परीक्षा 2021 अब स्थगित नहीं होकर रद्द होगी। कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों को इस बार प्रमोशन मिलेगा। सभी छात्र बिना परीक्षा दिए प्रमोट होंगे। इससे जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो के साथ में। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, साथ ही आप अपने राज्य का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखिए हमारे छोटी सी बोर्ड में बहुत ही बड़ी खबर। स्क्रीन पर आप इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख पाओगे, एनआईओएस बोर्ड एग्जाम 2021 पेरेंट टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड रिक्वेस्ट बोर्ड टू प्रमोट ऑल स्टूडेंट, यानी 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों को प्रमोट से जुड़ी ये खबर निकल के सामने है। जहां पर पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि इस बार सभी छात्रों को जल्द प्रमोशन मिलना चाहिए। इसको लेकर सभी जगह आंदोलन होने लगा है और ये चिल्ड्रन जो एसोसिएशन है, जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, उन्होंने सभी ने घोषणा कर दी कि इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल बहुत ही ज्यादा देश में बढ़ता जा रहा है। इसी से जुड़ी खबर निकल के सामने रही है। इस पर सरकार की तरफ से भी संज्ञान ली गई है। इस पर आप देख सकते हो, बोर्ड परीक्षाएं जून में एग्जाम संभावित, कोरोना कारण इस साल भी हो रही है देरी, ये कहना है सरकार का। और परीक्षा पर संकट है, इसलिए 3 मई के बाद में फैसला लिया जाएगा कि बोर्ड परीक्षाएं कराई जाती है या फिर नहीं कराई जाती है, ये सरकार का इस बार कहना। और सरकार का साथ में ये भी कहना कि यदि इस बार साल परीक्षाएं होती है तो आपको बिल्कुल ही सरल यहाँ पे पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि इस बार बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और इसको लेकर सरकार को लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है और आंदोलन की चेतावनी पेरेंट्स ने एसोसिएशन दे दी है, क्योंकि कोरोना काल बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सभी राज्यों में परीक्षाएं रद्द की जा चुकी है। 10वीं के लगभग सभी राज्यों में परीक्षाएं रद्द हो चुकी है और कई सारे राज्य हैं जिन्होंने का कहना है हम 3 मई के बाद में फैसला लेंगे कि 10वीं की और 12वीं की परीक्षा रद्द करनी है या फिर नहीं करनी है। लेकिन साथियों, जो कोरोना काल बढ़ता जा रहा है, जिससे देखते हुए यही लग रहा है कि इस बार सभी परीक्षाएं रद्द होगी। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपको क्या लगता है। धन्यवाद।